सलाम आदाब नमस्कार, मैं मोहम्मद फहीम हुसैन और आप देख रहे हैं नेशनल लाइव 24x7। नव वर्ष के मौका पर दिखा गया में बना रबर डैम पे सैलानियों का भीड़। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने 22 सितंबर 2020 को रबर डैम का शिलान्यास किया था। अक्टूबर 2023 में इसके निर्माण का लक्ष्य रखा गया, मगर बीच में नीतीश कुमार ने इसे सितंबर 2022 तक पूरा करने का निर्देश दिया। इंजीनियरों ने दिन रात मेहनत कर इसे साकार कर दिया। गया जीत डैम इसका नाम रखा गया। फल्गु नदी में गंदे पानी और कचरे का ढेर लगा रहता था। रबर डैम बन जाने से इसे प्रदूषण से मुक्ति मिल गई। विष्णुपद देवघाट से पूर्वी तट पर बनी पिंडवेदी जाने की दूरी कम हो गई है। पहले बाईपास होकर प्राइवेट गाड़ी से जाना पड़ता था। कुछ श्रद्धालु पैदल नदी पार करते थे। अब डैम के ऊपर स्टील पुल बन गया है। इससे श्रद्धालु देवघाट में कर्मकांड करने के बाद सीधे सीताकुंड पिंडवेदी का दर्शन करने जा सकते हैं। इसका नाम माँ सीतापुर रखा गया है, जबकि कनेक्टिंग रोड का नाम माँ सीता पथ रखा गया है। इस पैदल पुल से पहले 3 किलोमीटर की दूरी को 1.5 किलोमीटर में समेट दिया गया है। देखें आगे की रिपोर्ट मोहम्मद फहीम हुसैन के साथ। हाँ जी, यहाँ गया की ऐतिहासिक जगह में विष्णुपद की नगरी और सीताकुंड के बीच में रबर डैम है और रबर डैम में तमाम सुनामी लोग यहाँ आए हुए हैं। काफी भीड़ है, आप भी आए हैं। आप पहली बार यहाँ आए हैं कि दूसरी बार आए हैं? यहाँ पर दूसरी बार हम आए हैं। सबसे पहले तो सभी बजीरगंज विधानसभा वासियों को एवं समस्त जिला वासियों को नया साल के हार्दिक शुभकामनाएं और सभी यहां पर गया जी रबर डैम का आनंद लेते हुए जितने भी सैलानी आए हुए हैं उन सभी को भी नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और दूसरा बार आने में यहां आने का अलग ही मज़ा है और यहां पर आने से घूमने से बहुत तरह के आदान प्रदान मिलता जाता है और लोगों को बच्चों को घुमाने में मज़ा भी आ रहा है। यहाँ पर काफ़ी अच्छा लग रहा है। आपको क्या लग रहा है, गया जी को क्या माननीय मुख्यमंत्री जी एक अच्छा तोहफा दिया है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यहाँ से देश भर के लोग यहाँ आए हुए हैं, आते भी हैं जी जी। तो खास करके गया वासियों के लिए जो इस वक्त क्या आप मुख्यमंत्री जी को अपने ओर से देना चाहेंगे? बहुत बड़ा तोहफा, इससे बढ़कर आप कुछ नहीं हो सकता है। मुख्यमंत्री जी को आप धन्यवाद करें। धन्यवाद, धन्यवाद, तहे दिल। आप बोलिए। हम भी मुख्यमंत्री जी को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि उनका ड्रीम प्रोजेक्ट गया जी में लागू किया। फर्स्ट टाइम पूरे बिहार में फर्स्ट टाइम गया जी रबर डैम का निर्माण करवाया। इसके लिए समस्त बिहार वासियों के तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को तहे दिल से धन्यवाद देते हुए साथ में जल संसाधन मंत्री को भी तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। आप पहली बार आए यहाँ कि दूसरी बार है? जी हाँ, पहली बार। पहले कैसा लग रहा है आपको यहाँ? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर लग रहा है। बहुत अच्छा। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी जो रबर डैम बनाया है इसके लिए आप क्या उनको मैसेज देना चाहिए? धन्यवाद उनको, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे गया शहर में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो रबर डैम बनाया गया है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गाली भाई। पत्रकार